जिला हमीरपुर में नगर परिषद की मासिक बैठक का आयोजन किया गया। नगर परिषद की मासिक बैठक की अध्यक्षता नगर परिषद अध्यक्षा सुलोचना देवी ने की। इस अवसर पर बैठक में कार्यकारी अधिकारी केएल ठाकुर के अलावा उपाध्यक्ष दीप कुमार बजाज भी मौजूद रहे। नगर परिषद की मासिक बैठक में विभिन्न समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की गई। मासिक बैठक के दौरान कार्यकारी अधिकारी केएल ठाकुर के अचानक उठकर चले जाने से सभी पार्षदों ने कड़ा ऐतराज जताया और इस कारण शहर की समस्याओं पर चर्चा नहीं हो सकी। जिला हमीरपुर में नगर परिषद की मासिक बैठक का आयोजन किया। नगर परिषद की मासिक बैठक की अध्यक्षता नगर परिषद अध्यक्षा सुलोचना देवी ने की। इस अवसर पर बैठक में कार्यकारी अधिकारी के एल ठाकुर के अलावा उपाध्यक्ष दीप कुमार बजाज भी मौजूद रहे। नगर परिषद की मासिक बैठक में विभिन्न समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की गई। मासिक बैठक के दौरान कार्यकारी अधिकारी केएल ठाकुर के अचानक उठकर चले जाने से सभी पार्षदों ने कड़ा ऐतराज जताया और इस कारण शहर की समस्याओं पर चर्चा नहीं हो सकी। नगर परिषद उपाध्यक्ष दीप कुमार बजाज ने बताया कि आज नगर परिषद की मासिक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में वृद्धा पेंशन, स्ट्रीट लाइटों की व्यवस्था, सफाई व्यवस्था आदि मुद्दों पर चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि गांधी गेट के पास फॉरेस्ट विभाग का भवन जर्जर हो चुका है, उसे नगर परिषद को सौंप दिया जाए। उन्होंने कहा कि नगर परिषद को नगर निगम बनाया जाए ताकि सारी व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चला सके। परिषद की आज की मासिक मीटिंग में 6 लोगों का वृद्धा पेंशन जो है वो उसकी सिफारिश की गई, उनको लगनी चाहिए। लाइट व्यवस्था के बारे में चर्चा हुई, बहुत समय से हमारे पास लाइट वगैरह नहीं है। ठेकेदार को पीछे काफ़ी समय से हम कह रहे हैं, तो आज पता चला कि लाइट आ गई है और 10-15 दिन के बाद वो लाइटें जो है लग जाएगी। कूड़े के बारे में चर्चा पाई गई कि कूड़े की व्यवस्था जो है वो ठीक चल रही है, उसमें दिन पर दिन सुधार हो रहा है। कुछ पार्षदों ने कहा कि उसकी जो रेट है वो कम कर देने चाहिए, 100 रुपये के बजाय 60 रुपये कर देने चाहिए, ऐसा लोगों का कुछ मत था। एक गांधी गेट के पास फॉरेस्ट वालों की जमीन है, जो वो भवन है वहाँ पर बिल्डिंग्स वगैरह है वो जर्जर हो चुकी है, उनके किसी काम की नहीं है। नगर परिषद अप्लाई करेगी कि वो जमीन जो है वो हमारे नाम जो है वो कर दी जाए। एक गांधी गेट के आगे जो डोंग पॉली है उसमें भी फॉरेस्ट वालों के एक छोटा सा बहुत समय से कमरा सा बना हुआ है, फॉरेस्ट की जमीन पर है वो नगर परिषद का, वो भी जर्जर स्थिति में है। वो भी अगर हमें फॉरेस्ट वाली जमीन हमारे नाम करते हैं तो उसको भी हम ठीक तरीके से बनाएंगे। सर आज नगर परिषद अधिकारी जो है वो कुछ जल्दी में है क्योंकि उनका कहना है कि 12 बजे डी साहब के साथ मीटिंग है। साहब नहीं, इसके अलावा तो कोई और चर्चा नहीं हुई। जो मैंने बताया लाइट के बारे में, सफाई व्यवस्था, नगर निगम परिषद ने पास किया कि इसको नगर निगम बनाया जाए, क्योंकि साथ लगते जो गांव पंचायतें हैं उनका काम भी सफाई व्यवस्था का हम ही देख रहे हैं, हम कर रहे हैं। और नगर परिषद में 50,000 की आबादी है, जब और छोटी आबादी वाले भी नगर निगम बन सकते हैं तो हमारा नंबर 1 है हमीरपुर को सबसे पहले नगर निगम बनाया जाए, जिससे साथ लगती थी पंचायतों में साफ सफाई का और दूसरे जो काम है वो भी हम सुचारू रूप से चला सके। बही वार्ड नंबर 1 के पार्षद अनिल चौधरी ने बताया कि उनके घर के पास एक मार्ग है जो कि बुरी तरह से टूट चुका है। उसके बारे में कई बार नगर परिषद को भी अवगत करवाया है लेकिन नगर परिषद ने आज तक कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा कि 1100 नंबर पर भी कॉल करके इस समस्या के बारे में अवगत करवाया था लेकिन वहां से उनको जवाब आया कि आपका रोड बिल्कुल ठीक कर दिया है लेकिन अभी तक समस्या वैसे की ही वैसी बनी हुई है। उन्होंने बैठक के कार्यकारी अधिकारी पर भी आरोप लगाया कि बैठक में लोगों के बिना समस्या जाने ही बैठक से उठकर जाना ठीक नहीं है। मैं अनिल चौधरी, वार्ड काउंसलर, वार्ड नंबर 1। मैंने 1100 में 6 दिसंबर को एक कम्प्लेन की थी कि मेरा एक रोड है जिसमें लगभग नगर परिषद ने 25 लाख रुपए खर्च कर लगभग 15 वर्ष पहले वो रास्ते को बनाया था। वो रास्ता बुरी तरह टूट चुका है, जो कि उसके लिए मैंने कई बार कमेटी को भी बोला इसको रिपेयर कर दिया जाए तो ये रोड हमारा रुक जाएगा और पैसे खर्च ज़्यादा खर्चे से बच जाएंगे। फिर मैंने हार के 1100 में कंप्लेन की, वहाँ से जवाब आया कि आपका रोड ठीक कर दिया गया है लेकिन अभी तक उसमें 1 इंच भी कार्य नहीं हुआ है, तो उसकी मैंने सॉफ्ट कॉपी उसे आज मीटिंग में मांगी है। अब इस अधिकारी के बारे में मैं क्या बोल सकता हूँ, वो तो उसकी सोच और समझ है कि क्या जवाब देना है क्या नहीं देना है।
इसके अलावा देखा गया सर बड़ी बड़ी जल्दी लगी हुई थी अधिकारियों को। हाँ, अधिकारी मेंबर बैठे रहे और बोला डी साहब ने बुलाया है, खोखे खाली करने हैं मैंने और मैं जा रहा हूँ, और मेंबर को बैठे रहने दिया और अपने आप वहाँ से चले गए। मीटिंग चल रही है, ये उठ के चल जाए तो अच्छी बात नहीं है। कार्यक्रम में वक्त तो चला है, शॉर्ट से ब्रेक का ही मिलते हैं ब्रेक के बाद।